शाम को 5 बजे मुझे ये चैनल बंद करना है। आई वॉज नॉट क्लियर अबाउट दिस चैनल। तुम लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। सो 12th का टर्म 1 फिनिश हो चुका है, सेम 11th के साथ भी वही है। मैंने सोचा यार आज क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत मैं बात कर लूं, एंड कॉमर्स बाबा चैनल अब कैसे वर्कआउट करेगा उस बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूं। फिर चाहे तुम 11th क्लास से हो या फिर तुम 12th क्लास से हो, डजंट मैटर। बहुत कुछ प्लान करके रखा है, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आई है ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स का, जो मैंने ये स्पैन कंप्लीट किया है 3-4 ईयर्स का, मुझे एक चीज़ लगती है एंड वो दिमाग में हमेशा घूमती थी, आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस चैनल एज अ यूट्यूब चैनल विच इज़ जस्ट एन एजुकेशनल चैनल। मेरे को है ना अलग ही वाइब आती है, लाइक जितने लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं 2017, 2018, 2019, 20 एंड देन दिस 21 बैच, तुम लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। मैं अपने आप को कभी टीचर बोलता ही नहीं था, मैं बस बोलता हूँ कि मैं फैसिलिटेटर हूँ। मैं कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से करने जानता हूँ और वो है कम टाइम में तुम्हारा मैक्सिमम रिवीजन करवाना, तैयारी करवानी, तुम्हारे टेस्ट के लिए तुम्हें प्रिपेयर करवाना। सो मैंने सोचा कि ठीक है, तुम कॉमर्स बाबा से एक्सपेक्ट करते हो कि यार 11th का पूरा कंटेंट आए अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज, देन 12th का पूरा कंटेंट आए अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज, मैं पूरा अपलोड करूंगा दिसंबर जनवरी फरवरी, तुम जब तक ये देख रहे हो तब तक ये सारा कंटेंट यूट्यूब पे पुश होने लगेगा, वो सब आ रहा है। बट अगेन फिर वो कॉमर्स बाबा वाली वाइब नहीं रहेगी अगर सिर्फ यही चीज़ें आएंगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ और तुम लोग मुझे बताना कि आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ दीज 3-4 ईयर्स, वट आई थिंक पर्सनली इज यू नीड अ स्पेस जहाँ पे तुम बहुत कंफर्टेबल फील करो। किसी चैनल के पास तुम इसलिए आओ बिकॉज यू आर गेटिंग मोर देन द वैल्यू जस्ट के वहाँ पे सिर्फ स्टडी कॉन्टेंट मिलता है। मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज़ हो गए, बींग अ टीनेजर तुम लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो, एक ऐसा माहौल तुम्हें इस चैनल पे मिलना चाहिए जहाँ तुम्हें भी आके एक फैमिली वाली फीलिंग आए कि यार नहीं यार ये बंदा समझता है। और मैंने हमेशा से यही सोचा था कॉमर्स बाबा के लिए, एंड शायद मैं अभी इसलिए इतना गैप लेके फिर मैंने ये कंटिन्यूशन किया है वीडियोस का। विद 20 डेज प्लेज में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, और उससे पहले मैं बिल्कुल गायब था बिकॉज आई वॉज नॉट क्लियर अबाउट दिस चैनल, वेरी ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ। मैं तो ये सोच के बैठ गया था कि मुझे ये चैनल बंद करना है, आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस चैनल बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द विजन, मैं इस चैनल को कैसे आगे लेके जाऊँ। मुझे कुछ नया करना था, मुझे कुछ यूनिक करना था, मुझे एक्सप्लोर करना था, और मुझे लगता है ये चीज़ पॉसिबल है विद द पॉडकास्ट विद यंगस्टर्स, तुम जैसे लोग या जो अभी कॉलेज टाइम में है, जो कॉमर्स बाबा से पढ़ के गए, तुम्हारे सीनियर्स जो कॉमर्स बाबा से अभी भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं, जो कॉमर्स बाबा से अभी भी जुड़े रहना चाहते हैं। सो आई एम प्लानिंग कि मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस शाम को 5 बजे तुम लोग के लिए, ये जो टाइम पे जब तुम वीडियो देख रहे हो, ऑन अ रेगुलर बेसिस तुम्हारे लिए पॉडकास्ट लेके आता जाऊँ, एंड बाकी जो 11th 12th का स्टडी कॉन्टेंट है वो तो आता ही रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। बट मैं चाहता हूँ यू शुड कनेक्ट विथ कॉमर्स बाबा बिकॉज ऑफ मैनी मोर थिंग्स, नॉट जस्ट फॉर स्टडीज ओनली, वो सब कंटेंट तुम्हें मिलेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू डिफरेंशिएट माई सेल्फ टू अ होल न्यू लेवल जहाँ पे तुम्हें वो वाइब मिले, वो फीलिंग मिले यार कि मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ कॉमर्स बाबा के साथ। वो ये एक्स्ट्रा कनेक्शन फील होता है, एक अलग ही वाइब है, अलग ही फीलिंग है। सिर्फ पढ़ाई करने को नहीं मिलता, लाइफ में बहुत सारे लेसन भी मिलते हैं, बहुत कुछ समझने को भी मिलता है, शायद मेरी थिंकिंग में चेंज आता है, शायद मेरी सोच में चेंज आता है। एंड मैं ये करते भी आया था, अगर मैं तुम्हें स्टोरी बताऊं, ये मेरे अंदर फीलिंग आना चालू हुई जब कोविड टाइम चालू हुआ। मैं उस टाइम पे बहुत अजीब सी फीलिंग में था कि मुझे क्या करना है और क्या चीज़ें छोड़नी है, एंड देन आई स्टार्टेड विथ माई लाइव कोर्सेज जहाँ पे मैंने एनुअल मैराथन कोर्स निकाला, और ना जाने कौन कौन से कोर्सेज में बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पढ़ा, उन्होंने मुझे बोला, यानी तुम्हारे सीनियर्स ने जिन्होंने मुझसे लाइव पढ़ा, उन्होंने कहा सर आप बहुत सारी चीज़ें बताते हो, हमने आपसे पढ़ा तो है बट एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि हमारी थिंकिंग में, मेंटालिटी में बहुत चेंज आया है, सोच में बहुत चेंज आया है। पहले हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ दिखती थी, ओके 12th करना है, अच्छे परसेंटेज लाने एंड देन टू गेट अ गुड कॉलेज, लेकिन उसके बाहर की दुनिया समझ में नहीं आती थी कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने वो विजन दिया, आपने वो मोटिवेशन दिया, आपने सोचने का एक नया नज़रिया दिया। मैं इन पॉडकास्ट के थ्रू वही चीज़ों को टच अपॉन करना चाहता हूँ, जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू, वो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। सो स्टडी मटेरियल फॉर 11th 12th वो अलग आएगा, एंड ये पॉडकास्ट टीनेजर्स का जो माइंडसेट होता है, या जो मेंटल हेल्थ वाली बात है, डिप्रेशन वाली बात है, एक अलग थिंकिंग वाली बात है, एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो फीलिंग है कि
कुछ नया और बड़ा विजन करना है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, नॉट जस्ट गेटिंग अ जॉब एंड अ सैलरी, उससे ज़्यादा बड़ा भी सोच सकते हैं, या उस फोकस से अगर लेके चलते हैं कि जॉब ही करना है तो हाउ टू गेट अ वेरी गुड जॉब, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में लेके आऊँगा। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो मेरी फीलिंग सुन के, तुम्हें अगर ये कॉमर्स बाबा का नया विजन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ थम्स अप करके लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत लॉन्ग टर्म पे कनेक्टेड रहो, 11th 12th पास करने के बाद भी तुम ये पॉडकास्ट सुनने हमेशा वापस आते रहो, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम एक सक्सेसफुल इंसान ना बन जाओ तब तक एटलीस्ट ये पॉडकास्ट सुन के मोटिवेटेड ज़रूर रहो। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।